हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मेरा नाम है आकृति राठौर और आज हूँ मैं आपके साथ नवाबों के शहर लखनऊ में, जो कि कैपिटल है यूपी की। और मैंने सोचा अगर मैं लखनऊ में हूँ तो आपको भी एक क्विक टूर दिया जाए लखनऊ का मेरी वीडियो के थ्रू, कि आप जान सको कि नवाबों के शहर में क्या क्या चीज़ें नवाबी हैं, कौन सी बेस्ट वो प्लेसेज है जिन्हें हम विजिट कर सकते हैं। तो गाइज, मेरी वीडियो के थ्रू आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेस्ट विजिट प्लेसेस ऑफ लखनऊ, जो कि हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जगह है हमारी बड़ा इमामबाड़ा, जो कि फेमस अट्रैक्शन है लखनऊ का, मुस्लिम्स के लिए सबसे फेमस और वर्शिप प्लेस है ये, जहाँ पे लोग हर साल आते हैं मुहर्रम सेलिब्रेट करने के लिए, जिसे बिल्ड करवाया था आशफ उद्दुल्ला नवाब ने सन 1784 में। और इसके बाद हम आ जाते हैं लकी दरवाज़ा। यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है, जो कि है आपका वेस्टर्न गेटवे केसरबाग पैलेस में, और इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था नवाब वाजिद अली शाह ने, जो कि अवध के नवाब थे। तो ये बहुत सारे गेट हैं यहाँ पर जो कि अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं। तो आप ऐसे आगे वीडियो में और भी दरवाजे देखने वाले हो जो कि किसी ना किसी चीज़ के लिए फेमस हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे, और ये एक साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर है। इसको कवर करने का मोटिव बस इतना था कि आपको ये डोम लाइक स्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन होता है लखनऊ में, जो कि बहुत फेमस है, उसको दिखाने के लिए कि यहाँ पे किस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। तो आगे चलते हैं। तो हम आ चुके हैं रूमी दरवाज़ा पे। तो रूमी दरवाज़ा आपका 8 फेस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। यह एंट्रेंस गेट यूज़ किया जाता था ओल्ड सिटी के लिए, एक एंट्रेंस गेट की तरह से यूज़ किया जाता था। और ये है हुसैनाबाद क्लॉक टावर। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा ये बिल्ट हुआ था 1881 में, और ये इंडिया का लार्जेस्ट क्लॉक टावर है, जो कि एक रेप्लिका है बिग बिन क्लॉक टावर, जो कि लंदन में बेस है। और इसकी जो हाइट है वो 67 मीटर्स है और 220 फिट है। और आप देख सकते हैं ये व्यू के साथ जो ये क्लॉक टावर है, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जस्ट लुक एट द व्यू। तो ऐसे ही चीज़ों को कवर करते हुए हम आगे जा रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पे बहुत सारे है जो मोन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर फोटो वीडियोस बनाना स्ट्रिक्टली मना है, इसलिए मैंने सिर्फ आउटर कवर किया है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है, और उनसे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, ताकि अगर आप विजिट करने जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग आगे जा रहे हैं और अब हमें मिला है ये सतकंडा। तो सतकंडा गाइज एक अपने किंग मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था 1837 में, 1842 में, किसका मेन पर्पज़ था एक 7 फ्लोर बिल्डिंग बनवाने का, जो कि किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये अभी 4th फ्लोर की बिल्डिंग है और ये भी बहुत ब्यूटीफुल है विजिट करने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं, ये है हमारे लखनऊ की, आने तो देते हैं उसे। तो ये है हमारे लखनऊ की पिक्चर गैलरी, और पिक्चर गैलरी के भी अंदर जाकर फोटो वीडियोस बनाना स्ट्रिक्टली मना है। बेसिकली वीडियोस नहीं बना सकते हैं, फोटोज आउटर ले सकते हैं। तो मैंने एक आपको क्विक व्यू दिया है यहाँ पे पिक्चर गैलरी का। तो पिक्चर गैलरी में यहाँ पे नवाब के पोर्ट्रेट्स हैं और बहुत सारे सिल्क के ड्रेसेस हैं, ज्वेलरीज हैं, पेंटिंग्स हैं, और कुछ 3D पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिलेगी। ज़रूर जाके आप विजिट करिए। और यहाँ पे इस टाइप के बहुत ज़्यादा पार्क वगैरह भी, आपको बहुत सारे पार्क वगैरह भी मिलेंगे। और अब आ जाते हैं, ये है हमारे लखनऊ का मेट्रो, और देख सकते हैं आप कितना नीट और क्लीन हमारा मेट्रो है यहाँ पे पूरा। वो अभी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मेट्रो का भी प्रॉपर एक लुक शेयर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं प्रॉपर किसी मेट्रो स्टेशन पर जाकर एक वीडियो बनाऊँगी, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि लखनऊ की भी मेट्रो कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन मेट्रो है। तो इसके बाद हम चलते हैं गाइज हज़रतगंज। ये है लखनऊ की बहुत पुरानी, बहुत फेमस जगह, और ये मेन शॉपिंग सेंटर है लखनऊ के लिए, जिसमें बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, थिएटर्स हैं, ऑफिसेज हैं, और कैफ़ेज भी हैं, और बेसिकली मेन बाज़ार की तरह भी हम बोल सकते हैं इसको। ये बहुत ज़्यादा रिचेस्ट और फेमस प्लेस है लखनऊ की। और इसके बाद आ जाते हैं, ये है हमारी गोमती रिवर। सारे यूपी वाले, लखनऊ वाले जानते हैं हमारे लखनऊ में गोमती रिवर है। तो ये है गोमती रिवर का फ्रंट। यहाँ का भी व्यू, नाइट व्यू जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो क्योंकि हम गोमती नगर गए थे तो फन मॉल कवर करना तो बनता ही है। तो ये है फन मॉल गोमती नगर का, और ये भी बहुत ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे, इसमें ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड के स्टोर्स वगैरह भी हैं, और काफ़ी यार मस्त तरीके से इसको बनाया गया है। और ये देख सकते हैं आप हमारे लखनऊ की चलती हुई पब्लिक, बहुत सारे व्यू के साथ, बहुत प्यारी जगह। तो इसके बाद हम आ जाते हैं शहादत अली खान मकबरा। बेसिकली ये एक मकबरा है जो कि शहादत अली खान ने अपने अपने फादर नवाब वजीर जी की याद में बनवाया था।
तो अब हम आगे चलते हैं। तो गाइज अब ये आ जाता है हमारा सफ़ेद बरादरी, ये बिल्ट करवाया था नवाब वाजिद अली जी शाह ने, जो कि एक पैलेस है बेसिकली गाइज, ये मॉर्निंग पैलेस है जो कि यूज़ किया, अब फिलहाल ये इमामबाड़े की तरह यूज़ किया जा रहा है। सो आई होप गाइज कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप के लखनऊ से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, क्योंकि आगे भी आपको लखनऊ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलने वाले हैं। इस जगह से रिलेटेड जो भी मैंने प्लेसेस डिस्कस किए उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। और लखनऊ से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर वीडियो अगर आप मुझसे चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका पर्टिकुलर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।